इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। धन्यवाद, अभी तो गपशप मारे आप। धन्यवाद भाई मीडिया वाले। मैं कर्नल राजकुमार नेहरा, अलवर डिस्ट्रिक्ट के पूरी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से, जो हमारे 44 सैनिक सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं पुलवामा एक्सीडेंट में, उनके लिए यहाँ पर हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हम देश के इस विपदा के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी समस्त एक्स सर्विसमैन हैं उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और देश के दुख की इस घड़ी में हमसे जो भी कुछ उनके परिवार के लिए और अपने देश के लिए बन पड़ेगा, सदैव हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। अब जिस तरह से पाकिस्तान और आतंकवादियों ने हरकत की है, तो अब देश सरकार से, केंद्र सरकार से क्या मांग रखते हैं? देखिए, हर जगह जो है हमारी तैयारियां हैं। एक सैनिक के रूप में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अब उन तैयारियों में कोई कमी नहीं है। अब इसके पीछे मैं एक मिनट के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। पाकिस्तान खुद भिखारी देश है, ठीक है, कटोरा लेकर घूम रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को मालूम। वो एक इस तरीके का गांव का गरीब गुंडा है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान विश्व की चौथी उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है और चौथी सैनिक महाशक्ति है, ठीक है। हमारे लिए बहुत आसान है उसको नाश्ते नाबूद कर देना, उसको बर्बाद कर देना, लेकिन जो हम इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारी गति में कहीं ना कहीं अगर हम एकदम से युद्ध करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लगेगा। युद्ध तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो हमारी सरकार है, आज की सरकार जो है वो भी बहुत कुछ कर रही है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर पूरी तरीके से आइसोलेटेड करने का काम करना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान की और हालत ख़राब हो जाए और उसको एक टेररिज्म स्टेट घोषित कर देना चाहिए। यही मेरी मांग। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार नेहरा है।